सो हेलो गाइस, सौरभ हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉल्ड इलेक्ट्रोकोड। सो गाइस, टुडे वी आर बैक विद ए न्यू प्रोजेक्ट। सो आज का जो प्रोजेक्ट होने वाला है, आज के प्रोजेक्ट में हम लेफ्ट और राइट डायरेक्शन को इंडिकेट करने वाले हैं यूजिंग आर्डुइनो यूनो MPU6050 एंड LED डॉट डिस्प्ले। सो लेट्स सी द रिक्वायरमेंट फर्स्ट। फर्स्ट वी विल नीड एन आर्डुइनो यूनो टू कंट्रोल द सर्किट। सेकंड वी विल नीड ए ब्रेडबोर्ड। Third, we will need a 8x8 LED dot matrix display. Fourth, we will need a MPU6050 gyro sensor. And at the last, we will need some jumper wires. So now let me explain about the wiring diagram of this project. First, the wiring connection between the MPU6050 and the Arduino. Okay, so first you need to connect the VCC and the ground pin of the sensor with the Arduino VCC pin and the ground pin. After that, you need to connect the SDA pin of the sensor with the A4 of the Arduino and SCL pin of the sensor with the A5 of the Arduino. After that, let me come to the circuit connection between display and the Arduino. First, the same thing, you have to connect the VCC and the ground of the display with the Arduino. After that, you need to connect the data pin of the display with the Arduino pin number 11, the CS pin of the display with the Arduino pin number 10, and the clock pin of the display with the Arduino digital pin number 13. So this is the wiring connection of this project. I hope you understand it. तो एज यू कैन सी, हम लोगों का प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। अब ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। मैंने वायरिंग कनेक्शन ख़त्म करके इसको अच्छे से असेंबल कर दिया है, राइट, कि इसको देखने में भी अच्छा लगे। चलिए फिर हम लोग अपने आर्डिनो प्रोग्रामिंग की ओर चलते हैं और उसको चेक करते हैं, देन इसमें उसको अपलोड करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। सो लेट्स डू द आर्डिनो प्रोग्रामिंग। सो गाइस, ये है हम लोगों का आर्डिनो कोड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पे आप स्टार्टिंग में देख सकते होंगे मैंने ऑलरेडी और सारे पिन असाइन कर दिए हैं और इसका जो कोड है वो कुछ इस तरह का दिखता है। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बोथ कोड एंड द सर्किट डायग्राम, तो आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड करके खुद से आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। ओके, सो लेट्स अपलोड दिस कोड। तो चलिए, हमारा जो प्रोग्राम था वो अपलोड हो चुका है, अभी हम इसको सप्लाई दे के टेस्ट करेंगे। सो एज यू कैन सी गाइस, हम लोगों का जो डायरेक्शन है वो अभी शो करना चालू हो चुका है। जब भी मैं अपना MPU6050 गायरो सेंसर को रोटेट करता हूँ एक सेपरेट डायरेक्शन में, तो मेरा जो LED डॉट डिस्प्ले है वो भी डिफरेंट डायरेक्शन में एरो सिंबल शो कर रहा है। तो इसका मतलब जो हम लोगों का प्रोजेक्ट है काफ़ी अच्छे से रन हो रहा है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही है। होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया चीज़ें आपको सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा है तो एक वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपना जो थॉट्स है कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करना भी मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो गाइस, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि 95% ऑफ पीपल्स आर नॉट सब्सक्राइबिंग माई चैनल। सो प्लीज़ 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 गाइस, शो योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऑल्सो आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो थ्रू माई पेट्रियंस। आप मेरा पेट्रियन सब्सक्रिप्शन लेके आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से कि मैं इन फ्यूचर आपको ऐसे नए नए वीडियोस लाता रहूं और मेरे लिए पॉसिबल हो सके। सो गाइस, प्लीज़ सपोर्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो या, that's it for today guys. Thank you for watching. Peace.